तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज़ हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल दो ये में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हड़क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हड़क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आरद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके अगर लिप टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सरमाइटोग्राफी की, की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सरमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो हज़ार आठ और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का एक सौ बारह मिनट्स और इस मूवी को एक सौ पैंतीस से लेकर एक सौ पचास मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की है तो टू हंड्रेड सिक्सटी फोर मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉर्टन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिव टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थूस रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैम्यूल स्टेरन्स का करैक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो so, अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आईएमडीबी की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए लिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज हुई थी लेकिन काफी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा नडा आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लैटरायर ने लुइस लैटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर है जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सरमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आरम ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून 2008 और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हलक मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थैडियूज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा ना आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 हज़ार पाँच में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आराद ने गेल एने हर्ड ने कैन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके एक लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो हज़ार आठ और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिली ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थाड्यूज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरेंस का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हड़क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हल्क मूवी को आई पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए लिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो so, आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आरद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके अगर लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सरमाइटोग्राफी किया पीटर मैनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लियोन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून 2008 और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थैडियूज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का करैक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग 5 लैक 2000 लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए लिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़न प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा ना आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयर्स ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके एक लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात, तो बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का कैरेक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थाडियोज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैम्यूल स्टेरन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो तो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए लिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल दो ये में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हड़क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हड़क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आरद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके अगर लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सरमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून 2008 और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का एक सौ बारह मिनट्स और इस मूवी को एक सौ पैंतीस से लेकर एक सौ पचास मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो टू हंड्रेड सिक्सटी फोर मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉर्टन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिव टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉसकाई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थूस रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैम्यूल स्टेरन्स का करैक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आईएमडीबी की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज हुई थी लेकिन काफी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा नडा आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लैटरायर ने लुइस लैटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर है जिन्होंने के साल दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी अराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयर्स ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके एक लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून 2008 और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हलक मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थैडियूज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो तो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड आण... काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज हुई थी लेकिन काफी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हड़क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हड़क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके एक लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिली ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थाड्यूज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरेंस का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो so अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग 5 लैक 2000 लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा नडा आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 हज़ार पाँच में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आरद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके अगर लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सरमाइटोग्राफी किया पीटर मैनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने शैन ने विंसेंट टाबी लियोन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून 2008 और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थैडियूज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का करैक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी यह हिट मूवी है इसीलिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़न प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल दो ये में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हड़क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयर्स ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके एक लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थाडियोज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हड़क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए लिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा ना आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आरद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके अगर लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सरमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो हज़ार आठ और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का एक सौ बारह मिनट्स और इस मूवी को एक सौ पैंतीस से लेकर एक सौ पचास मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की है तो टू हंड्रेड सिक्सटी फोर मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉर्टन ने ब्रूस बैनर का करैक्टर निभाया है उसके आगे लिव टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थूस रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का करैक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आईएमडीबी की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज़ हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो so, आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हड़क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस टरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 हज़ार पाँच में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी अराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयर्स ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके एक लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं है। इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून 2008 और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थैडियूज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो तो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग 5 लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा ना आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 हज़ार पाँच में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया पीटर मैनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लियोन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिली ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थाड्यूज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरेंस का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हड़क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए लिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल दो आठ में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लैटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर ले 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 हज़ार पाँच में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आरद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके अगर लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सरमाइटोग्राफी किया पीटर मैनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लियोन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो हज़ार आठ और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थूस रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का करैक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हल्क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़न प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा ना आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयर्स ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके एक लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया पीटर मैनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लियोन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड द क्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बढ़ाला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो हज़ार आठ और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का कैरेक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थाडियोज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हड़क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए लिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हड़क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हड़क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आरद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने, देखने, देखने को मिल जाते हैं उसके अगर लिप टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सरमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो हज़ार आठ और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिव टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थूस रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैम्यूल स्टेरन्स का करैक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो so अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग 5 लैक 2000 लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए लिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हड़क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा नडा आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 हज़ार पाँच में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी अराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयर्स ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके एक लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया पीटर मैनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लियोन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून 2008 और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हलक मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थैडियूज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज़ हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल दो ये में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हड़क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हड़क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 हज़ार पाँच में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने, देखने, देखने को मिल जाते हैं उसके लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिली ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थाड्यूज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरेंस का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हड़क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए लिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा नडा आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 हज़ार पाँच में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आरद ने गेल एने हर्ड ने कैिन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके अगर लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सरमाइटोग्राफी किया पीटर मैनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लियोन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो हज़ार आठ और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थूस रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का करैक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो तो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़न प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हड़क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हड़क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयर्स ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके एक लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का कैरेक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थाडियोज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैम्यूल स्टेरन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो तो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हल्क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग 5 लैक 2000 लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा ना आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक French फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आरद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयर्स ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके अगर लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सरमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने रिक शैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून 2008 और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिव टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थूस रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का करैक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर तो की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो तो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आईएमडीबी की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए लिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल दो ये में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हड़क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लैटरायर ने लुइस लैटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर है जिन्होंने के साल दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके अगर लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सरमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आरम ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून 2008 और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिल ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थूस रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में यह मूवी बड़े ही साल 2008 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी बड़ा फैन बेस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं एंड जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना अगर आप भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखना पसंद करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ पाने के लिए सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा ना आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले मूवी की टीम के बारे में बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया है लुइस लेटरायर ने लुइस लेटरायर एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने के साल दो, दो से लेकर 2013 तक ट्रांसपोर्टर मूवी को डायरेक्ट किया है एंड 2005 हज़ार पाँच में उन्होंने अनलीस्ड मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं फ्रेंच सिनेमा में इंग्लिश सिनेमा में राइटर की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लिखा है जैक पैन ने और प्रोड्यूस किया इस मूवी को एबी आराद ने गेल एने हर्ड ने केविन फेयज़ ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नॉटन देखने को मिल जाते हैं उसके एक लिब टाइलर देखने को मिल जाते हैं टिम रॉथ देखने को मिल जाते हैं एंड विलियम हर्ट देखने को मिल जाते हैं टिम ब्लैक नेल्सन देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया पीटर मनजीस जूनियर ने एडिट किया है इस मूवी को जौहन ब्राइज ने हरिकैन ने विंसेंट टाबी लेन ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का क्रेज़ आर्म ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मार्वल स्टूडियोज़ बलहला मोशन पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का तेरह जून दो हज़ार आठ और रनिंग टाइम है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का 112 मिनट्स और इस मूवी को 135 से लेकर 150 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो 264 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एडवर्ड नोटन ने ब्रूस बैनर का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे लिब टाइलर ने बैटी रॉस का करैक्टर निभाया है टिम रॉथ ने एमिली ब्लॉस्काई का करैक्टर निभाया है विलियम हर्ट ने थाड्यूज रॉस का करैक्टर निभाया है टिम ब्लेक नेल्सन ने सैमुअल स्टेरेंस का कैरेक्टर निभाया है एंड टाई बोरेल ने लियोनार्ड सैमसन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ बात हो गई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जानर की तो द इनक्रेडिबल हड़क मूवी एक सुपर हीरो मूवी है एंड यह मूवी मार्वल कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है मार्वल कॉमिक्स की मार्वल स्टूडियोज़ की आपने पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी सो तो अगर आपको मार्वल स्टूडियोज़ की सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद है तो ज़रूर से आप द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तब बहुत ही अच्छा इस मूवी ने परफॉर्मेंस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था एंड काफ़ी ज़्यादा रेटिंग अच्छा इस मूवी को मिला है आई की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है बात की जाए रेटिंग की तो इनक्रेडिबल हड़क मूवी को आई पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है आई पर एंड इस मूवी को लगभग फाइव लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया है जो है कि एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी ये हिट मूवी है इसीलिए लिए इतनी ज़्यादा लोगों की वोट्स इस मूवी को मिली हुई हैं सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना